बड़वानी जिले में द्वितीय वैक्सीनेशन ड्यूटी का कुछ 70% लोगों को लग जाए, इसके लिए अब जिला प्रशासन सख्ती बरत रहा है। उसने जहां कार्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं में बिना वैक्सीनेशन कराए लोगों को प्रवेश प्रतिबंध कर दिया है, तो वहीं कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधि मैदान में उतरकर बसों, मोटरसाइकिलों, प्राइवेट वाहनों में आ जा रहे लोगों को मोबाइल चेक कर सुनिश्चित किया कि उन्हें कोरोना वैक्सीन लग गया है या नहीं। इस दौरान ऐसे राहगीर जिन्होंने बताया कि उन्होंने वैक्सीन लग गया है किंतु मोबाइल पर उनके परिजनों के पास है, तो ऐसे लोगों के परिजनों के मोबाइल नंबर लेकर कलेक्टर ने स्वयं उस नंबर पर बात की, सुनिश्चित किया कि वास्तव में उन्हें वैक्सीन लग गया है या नहीं। इस दौरान कलेक्टर की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले युवाओं का भी मोबाइल चेक कर ज्ञात किया कि उन्हें वैक्सीन लगा है या नहीं। साथ ही कलेक्टर ने समस्त जिलावासियों से आह्वान किया, यदि उन्होंने कोरोना का ड्यू वैक्सीन नहीं लगा है तो तत्काल लगवा ले, अन्यथा उन पर भी आपदा प्रबंधन की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कलेक्टर ने युवाओं से आह्वान भी किया है कि अपने मोबाइल पर अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र रखें, जिससे निरीक्षण के दौरान उसे बताया जा सके, अन्यथा ऐसी स्थिति में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान कलेक्टर ने आशा नर्सिंग प्रशिक्षण संस्था महामृत्युंजय नर्सिंग कॉलेज में पहुंचकर ट्रेनिंग ले रहे विद्यार्थियों के माध्यम से ऐसे रहवासी जिनका द्वितीय वैक्सीनेशन ड्यू हो गया है उन्हें मोबाइल के माध्यम के बाद याद दिलाने के चल रहे हैं कार्यों का भी निरीक्षण कर इस कार्य में संलग्न युवाओं को प्रोत्साहित किया। वहीं बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के साथ भाजपा जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट अभिलाषा सोनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष बड़वानी श्री कृष्णा गोले, भरत सोनी, मुकेश बड़के, अमित शर्मा एवं अन्य आदि जनप्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने भी आमजनों से कोरोना वैक्सीनेशन लगाने की अपील की। उन्होंने लोगों को अभियान चालू कर दिया है और मास्क लगाने के लिए लोगों प्रेरित कर रहे हैं। दूसरा, कोरोना से बचाव के लिए जो कारगर हमारे पास उपाय है वैक्सीनेशन, तो सेकेंड डोज में बड़वानी काफ़ी पिछड़ रहा है। इसके सेकेंड डोज लगाने के लिए हम लोगों ने कई मोर्चों पर काम चल रहा है, घर घर जाके भी हमारा चल रहा है, सभी कार्यक्रम चल रहा है, बस स्टैंड पर चल रहा है, मजदूर कट्टो दवा चल रहा है, शासकीय अशासकीय सभी कार्यक्रम चल रहा है। और हमने ये अब आज से हमने ये प्लान किया हुआ है कि हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति किसी भी कार्यालय में या कहीं पर प्राइवेट कार्यालय में सरकारी में जाएगा तो उन कार्यालयों में तभी उसको प्रवेश मिलेगा जब उसके कोरोना के दोनों डोज लग गए हों। RPTV न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RPTV की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।